भैया रो राम राम, हमें तो चिंते ही हो ना हो हमारा सचिन चौधरी। सब ठीक ठाक है क्या? कुछ कमी? बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। आप यहाँ रही भरा सुर्खी की समस्याएं कहाँ? सुर्खी की बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली तो पानी की है, स्कूल कॉलेज वगैरह अच्छे नहीं है। नगर में जी को ना ही सुर्खी है, तो वो हमेशा सुर्खियां में रहता। भैया रो राम राम, हमें तो चिंते ही हो ना हो हमारा सचिन चौधरी। ईटेम हम हैं एक ऐसे नगर में जी को ना ही सुर्खी है, सो वो हमेशा सुर्खियों में रहता। मतलब उनको जब से पैदा है भाई तभी से सुर्खियों में है। और चाय के ठेला पे दुकान है, बाजार खुलन लगे अब सब कोरोना के बाद, भीड़ भाड़ लगी है। सो अब ई क्षेत्र में चुनाव भी है, बड़ो चुनाव है, बड़ो हल्ला है। दादा का है हल्ला वल्ला शुरू हो चुनाव को? से पूछो यार, हम देर से आए हैं। देर से आए आप? सबसे पहले आए? हम कुछ नहीं जाने, इनोरों से पूछ लो यार। धमा चौकड़ी शुरू हो गई। अच्छा, कैसी हो गई बताओ? बैठ के होन लगी। सुर्खी क्षेत्र में भैया एक दिन से आप और रहे हो, का है सुर्खी को हाल चुनाव के अलावा? यही तो है सुर्खी, यहाँ सही है सुर्खी। अच्छा, कैसा ही है सुर्खी? मतलब अच्छी है, देखना ही रहा सुर्खी। सुर्खी नोए में सुर्खी से ऐसी ही हती हूँ, सही है। अब है अच्छा, बदल नहीं पाई, बदल जाता ना का मंत्री बन गया हूँ गोविंद सिंह। अच्छा, अबे ये जो सुनी है कि अस्पतालों में अबे भी सागर भागने पर, वो तो परंपरा है। अच्छा, डॉक्टर रहता ही नहीं है अपने ना। अच्छा, तो वो रन नहीं देते कभी खुद से? नहीं, अरे अपन हो क्या कर, अपनों का करने बीमार नहीं होते हैं। अच्छा, सुर्खी में कोरोना नहीं घुस पाओ जा तो बताओ काहे नहीं घुस पाओ? इको कुछ कारण नहीं समझ में नहीं आ रहा है कोरोना। अच्छा, सुर्खी वारन से देखो मेरा मास्क से नहीं लगा तुम्हारा ना। देखो ये मिलो जो पांडे जी। अच्छा, तो सुर्खी वारन से कोरोना भी डराओ? सब डरा। अच्छा जी, है जलवा भैया, देखो सुर्खी वारन से कोरोना भी डराओ दादा। क्यों है हाँ, तुम बताओ दादा, क्या है तो इस इलाके को, क्षेत्र को, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, सब ठीक ठाक हैं क्या? कुछ कमी? सब ठीक ठाक है। पानी के जो कुप्पा उप्पा धरे फिर रहे, इतने विकास की आप और बातें कर रहे, कुप्पन से पानी भरे जा रहे पानी की तो समस्या है। अच्छा, भयंकर समस्या है। किस तरह की दिक्कत है? जो नहीं दे रहा पीवे वाले पानी। तो आप देख रहे कुप्पियां हैं और ये कुप्पियों से सुर्खी नगर के भीतर लोग बता रहे हैं कि पानी की सप्लाई हो, कितने से मिला पानी? अरे हमारी सुने लोग बाहर नहीं। वैसे क्या स्थिति है? वैसे तो ठीक है। सुर्खी में हम और गरीब आदिवासी को बेरोजगार है, कोई काम नहीं है पे हम लोगों के लिए, और इसके जगह फिर बहुत परेशानी भी होती हम लोगों के लिए। आर्मी की जगह में हम लोग रहते हैं तो हमारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पंगल से बहुत महिलाएं भी परेशान हैं, हम लोग गरीब आदमी बहुत परेशान हैं। उसके लिए हम लोग को जो कुछ थोड़ा बहुत काम मिलता है, तो अभी अभी सीमेंट की गाड़ी आई, इसमें वो 35 आदमी हैं, ये 400 कट्टे में, इसमें हम लोग को 10-10-20 रुपया मिलते हैं, तो इसमें हम लोग को कुछ पड़ता भी नहीं पड़ता। और इसके अलावा हम लोग के लिए यहाँ पे कोई काम भी नहीं है ऊँसा कि हम लोग गरीब आदमी कुछ अपना वो कर सकें, तो इसके लिए हम लोग के लिए कोई सहायता भी नहीं मिल रही है। तो आप इतनी व्यवस्था कराएं कि हम लोग को सहायता मिले, कुछ काम धंधे मिले, कुछ मजदूरी काम वाम मिल लो? नहीं सर, कुछ नहीं मिल रहा है। ये सही फिर रहा, देखो 40 आदमी गाड़ी में है, 700 बोरी है। अब उसमें बताओ हम लोग मजदूर क्या करेंगे, यहाँ कोई काम ही नहीं है। मैं हूँ बाल्मीक प्रकाश बाल्मीक, निगम पंचायत सुर्खी में हो रही सुर्खी की कट रही, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है सुर्खी में। हमारे 25-26 जने हैं मेहता रहे, 30-30 रुपये हम झाड़ू लगाते हैं 4 बजे रात से, वो 20-20 रुपये दाय में आदमी रोते हैं यहाँ सुर्खी में। और आपने कही कितना कितना झाड़ दीजिए, झाड़ू लगा दी 5 पैसा मिलने नहीं यहाँ। तो हम तो जो चाहते हैं हमारी सुर्खी में निगम पंचायत हुई बस। हाँ साहब, क्या हमारे 20-22 आदमी हैं सी पर पूरे, कुछ रोजगार नहीं है हम लोगों को। हाँ साहब, रोजगार के संकट, पानी के संकट, दो तीन चीजें हैं। हाँ, आदिबस्ती नहीं है, क्या दिक्कत का है? पाइप लाने की प्रॉब्लम है। सुर्खी नगर जो है, जो मेन नगर है, जो विधानसभा जी के नाव से है,
उतना ही पानी को संकट है, और पानी के संकट के अलावा रोजगार को संकट लोगों ने बताई है। बस्ती में नहीं मिलता है, पाइपलाइन की प्रॉब्लम है। तो भैया आप सब जनन की बात सुन ले, चाय वारन की सुन ले, इनकी नहीं सुने तो चाय वाले बहुत नाराज हो जाता आजकल। भैया क्या है मामला? ठीक है, ठीक है, बढ़िया चल लो। हाँ बढ़िया चल लो। पानी चालू हो रहा हूँ। कितना बंद रहो? तीन एक महीना रहो बंद। कैसे चले को जा रहा? अरे चलत रहो, चलत रहो। अब तो ठीक है? हाँ अब ठीक है, ठीक है। और ठीक है, चुनाव को बढ़िया है तो यूँ गप्पे। तो भैया जो है चाय वारन की बात सुन वो बहुत जरूरी है देश में आजकल, और यही से हमने सुन ली। तुम बताओ, तुम मजेदार आदमी बातें कम कर रहे हो। कैसी विकास की क्या स्थिति है? बढ़िया जमाजम विकास देख दो यार, विकास ही विकास हो रहा हमारा। अच्छा, कैसो विकास हो रहा? अब दुकान है, अब तक खोलन दुकान है। अच्छा, और इतने जो दो तीन महीना जब कोरोना में बंद रहो बाजार, तो कैसे रोजी रोटी चली यार? अरे चला तरह यार, आराम से सब चला तरह ही चलत रही। चलो भैया इनकी रोजी रोटी चलत रही, भगवान करे चलत रहे, और अच्छी भी सबकी। और भी तमाम लोग हैं दुकानदार लोग, दुकानें भी अब खुलने लगी हैं। भाई जब क्या स्थिति है माहौल चुनाव उनाव का, शुरू हुआ कुछ माहौल? बिना राजनीति की बात करो तो चर्चा कर भी तैयार। चलो विकास की बात कर, सुर्खी में तो एक दिन से काम वाम चल रहा है, कोई को नाव लें बिना, कि सुर्खी की समस्याएं कहाँ हैं? सुर्खी की बहुत सारी समस्याएं हैं, सबसे पहली तो पानी की है, और स्कूल कॉलेज वगैरह अच्छे नहीं हैं, अस्पताल की भी स्थिति ठीक नहीं है, डॉक्टर वगैरह तो रह नहीं पाते चले जाते हैं, तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अपने ग्राम पंचायत स्तर से काम चला रहा है, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता है कि और भी आए आदमी, जैसे कई मॉडल हैं अपने आसपास, उनकी नकल करके भी थोड़ी कोशिश करी जाए कि हाँ सुर्खी को भी नाम अपना रोशन हो गए सब जगह। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे बड़ों तो कछु मैटर नहीं है, लेकिन हाँ छोटी छोटी समस्याएँ हैं तो उनको हल करने की आवश्यकता है, और उनमें सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और बच्चा बेचारे जो सागर जाते हैं, कॉलेज वगैरह की व्यवस्था करी जाए थे, और अस्पताल की व्यवस्थाएं और सुधारी जाएं। थोड़ी प्रशासन ने कोशिश करी थी सागर को जोड़ भी की अपनी अस्पताल के लाने, लेकिन वो को कुछ निराकरण नहीं हुआ, तो फिर जाएंगे तहीं हो गए। और चल ही रहो सब अपने ग्राम पंचायत स्तर से, सरपंच साहब अपने काम करत रहते हैं, ठीक ठाक है काम, कोशिश करते हैं भी नाली सड़कें वगैरह चल रही हैं, बस इतना ही है। और बड़ी बात यही है जो बताई कि मतलब हमें लगा शायद अबे तक जितने भी जगह हम दौरा करत, पहली बार सुन रही हूँ कि जो विधानसभा को मुख्यालय वो ग्राम पंचायत है, वो अपने आप में बड़ी बात हो। ग्राम पंचायत होवे की वजह से गांव जैसो माहौल रखत, जो कस्बा जैसी स्थिति कम से कम नगर पंचायत स्तर की नहीं बन पा रही, और जो ही बड़ी बात है कि जो शहरी जो फ़ायदा मिलने चाहिए वो फ़ायदा सुर्खी क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा, अबे भी वो ग्रामीण स्तर की चीज़ें इतने हो पा रही। कैमरा मैन नीरज के संगे सचिन चौधरी बुंदेली बौछार के ला रहे हैं।